अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड के बारे में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड पर, मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ, वीकनेस और मुल्तान सुल्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। सबसे पहले हम स्क्वाड में शामिल हैं मोहम्मद रिजवान, पहले शान मसूद कैप्टन थे इस टीम के, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने अपना कप्तान बदल दिया और मोहम्मद रिजवान को क़यादत सौंप दी है। तो इसके अलावा शान मसूद, क्रिस लिन, सोहेब मकसूद, राइली रोसो, जेम्स विंस, शाहिद आफरीदी, सोहेल तनवीर, एडम लिथ, कार्लोस ब्राथवेट, उस्मान कादिर, इमरान ताहिर, मोहम्मद उमर, शाहनवाज दानी, सोहेल खान, सोहेबुल्ला, खुर्शीद शाह। ये था मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड। तो चलिए मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ उनकी स्पिन बॉलिंग है। स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी मुल्तान सुल्तान का तगड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास तीन जेन्युइन स्पिनर्स हैं। सबसे नंबर वन लाला शाहिद आफरीदी, नंबर टू इमरान ताहिर और नंबर तीन पे उस्मान कादिर। अगर हम मुल्तान सुल्तान की वीकनेस पे अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान की वीकनेस है उनकी फास्ट बॉलिंग, क्योंकि उनके पास कोई इतना एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है टी ट्वेंटी का। आई होप कि सुहेल खान और इमरान खान मेरी इस बात को गलत साबित कर दें। अगर हम मुल्तान सुल्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो मुल्तान सुल्तान की जानिब से ओपनिंग करेंगे क्रिस लिन और मोहम्मद रिजवान। तीन नंबर पर खेलने आएंगे जेम्स विंस। चार नंबर पर खेलेंगे राइली रोसो। पाँच पर यहाँ पर दो ऑप्शन है, खुर्शीद शाह भी खेल सकते हैं, सोहेब मकसूद कर सकते हैं, लेकिन हमने खुर्शीद शाह को पिक किया। इसके अलावा छः नंबर पर शाहिद आफरीदी, सात पर कार्लोस ब्राथवेट, आठ पर सुहेल तनवीर, नौ पर शाहनवाज, दस पर सुहेल खान और ग्यारह पर उस्मान कादिर।